ऑल राइट, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के दो नए क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किए हैं। इनका नाम है पिक्सल प्ले एंड पिक्सल गो। हम जानेंगे इनकी की डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन लोग के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड इन दोनों में से सही रहेगा, एंड इन दी एंड मैं आपको ये बताऊंगा यार कि इन लोग का पर्पस क्या है, ये लाए क्यों ये क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की कमी हो गई थी मार्केट्स में। तो हर एक चीज को डिटेल समझाने वाला हूं। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देखो यार, यहाँ पे ये जो कार्ड है 12 मई 2024 को लॉन्च किया गया था HDFC बैंक ने, एंड यहाँ पे इन्होंने दो वेरियंट रखे हैं। पहला वेरियंट है HDFC बैंक का पिक्सल प्ले वेरियंट। अब ये उन लोगों के लिए है जिनकी जो सैलरी है थोड़ी ठीक ठाक है, ठीक ठाक से मेरा मतलब है 25,000 तक है या उससे ज्यादा है। दूसरा वेरिएंट इन्होंने उन लोग के लिए रखा है जो कि 10,000 से नीचे की सैलरी पर काम करते हैं, यानी कि अगर आपकी सैलरी 8,000 रुपए भी है तब आपको दूसरा वेरिएंट का कार्ड मिल जाएगा जिसका नाम है पिक्सल प्ले। अगर हम शुरुआत करें पिक्सल प्ले से, तो इसकी जो एंट्री फीस है या ज्वाइनिंग फीस कह लीजिए वो 500 रुपए है। अगर आपको नहीं पे करनी है जो फीस, तो आप एक साल में 1,00,000 का खर्चा कीजिए इस कार्ड से, तो HDFC बैंक आपकी जो फीस है वेव ऑफ कर देता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिलता है जो कि AU बैंक के लेट क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। वहां पर आपको सेम डिजाइन का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको अपना मनपसंद का रंग आप चुन सकते हैं, भाई मुझे नीला पसंद है या फिर मुझे यह पीला पसंद है। तो काफी अलग अलग तरह के प्लेफुल कलर्स को इन्होंने साथ खेला है। इसके साथ ही आप अपने बिलिंग साइकिल को भी कस्टमाइजेबल बना सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से उसे चुन सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, अब ये ऑप्शन HDFC बैंक आपको दे रहा है कि आप अपने मर्जी के हिसाब से जिस भी दिन को आपको सहूलियत हो आप उस दिन को अपना बिल पे करिए। अब देखो ये दोनों ही कार्ड जो है ना वो डिजिटल कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, ये डिजिटली आपके PayZ ऐप में ये दोनों कार्ड रहेंगे अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो वहीं से आप सारे पेमेंट्स कर सकेंगे, वहीं से आप अपनी कोई भी जो EMI है उसे ट्रैक भी कर सकेंगे, वहीं से आप हर एक चीज का मुआयना कर सकेंगे। उनका एक डैशबोर्ड है जहां पर जाके आप हर एक चीज इन डिटेल देख पाएंगे। नाउ चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ कि क्या ये कार्ड जिसका नाम पिक्सल प्ले है ऑफर करता है आपको। आइए अगर हम बात करें सबसे पहले बेनिफिट की, तो यहां पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। 5% कैशबैक के लिए इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी है डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट की, यहां पर दूसरी कैटेगरी है ट्रैवल की, तीसरी कैटेगरी है ग्रोसरी की, चौथी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, एंड अगर आपको फैशन पसंद है तो फैशन की भी एक कैटेगरी। अब HDFC बैंक आपसे ये कहता है कि आप इन पांचों में से कोई दो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने जैसे दो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उन दोनों कैटेगरी पे आपको 5% का कैशबैक हम आपको देंगे इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल कैश पॉइंट्स। अब इन्होंने क्या काम कर रखा है, हर एक कैटेगरी के साथ अपने जो पार्टनर्ड मर्चेंट्स हैं वो जोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट की बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग के लिए जोमेटो को जोड़ा है और एंटरटेनमेंट के लिए बुक माई शो को इन्होंने साथ में जोड़ दिया। ऐसी ट्रैवल कैटेगरी की बात करें तो उबर एंड मेक माई ट्रिप को साथ में जोड़ दिया। ऐसी अगर हम ग्रोसरीज की बात करें तो ग्रोसरीज में इन्होंने ब्लिंकिट एंड रिलायंस स्मार्ट को जोड़ दिया साथ में। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे क्रोमा एंड रिलायंस डिजिटल को साथ में इस कैटेगरी के अंदर रखा है। एंड फैशन में इन्होंने क्या काम किया है कि नायका और को इस कैटेगरी के अंदर रख दिया। अब लेट्स जस्ट से कि मेरी सबसे ज्यादा जो स्पेंडिंग है वो फैशन वाली कैटेगरी में होती है, तो मैंने एक कैटेगरी इसको सेलेक्ट कर लिया और डाइनिंग और एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि उस पर मुझे 5% कैशबैक देखने को मिलेगा इन दोनों कैटेगरीज पर कोई भी अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करता हूँ। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये मिलेगा आपको कि 3% का कैशबैक भी ये लोग ऑफर करते हैं ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए। ऑनलाइन मर्चेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इनकी खुद की जो ये ऐप है PayZ ऐप। यहाँ पर आपको कोई भी एक मर्चेंट सेलेक्ट करना होगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए, उस पर आपको 3% का जो कैशबैक है मिलना शुरू हो जाएगा। अगेन इसके साथ ही यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन पर, यानी कहीं पर भी आप ट्रांजेक्शन करो इस क्रेडिट कार्ड से, आपको 1% का कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिलेगा जो बाकी क्रेडिट कार्ड्स में देखने को मिलता है बिटवीन द रेंज ऑफ 400 से 5,000 रुपए के बीच में, लेकिन इसकी कैपिंग है 250 रुपए पर बिलिंग साइकिल, यानी 250 रुपए पर मंथ तक आप अवेल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर हम फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज की बात करें तो 3.5% के आसपास ही बैठता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड से अपने कोई भी ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं और फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे पे कर सकते हैं। अब जितनी भी EMI आपकी चल रही होंगी, अच्छी बात यह है कि EMI का अलग सेक्शन उन्होंने बना रखा है, वहां पर जाकर आप अपनी जितनी भी EMI चल रही हैं वो देख सकते हैं और साथ के साथ ही सीमलेसली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अच्छी बात ये भी है कि अगर लेट्स से कोई पेमेंट करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको अमेजोन से कुछ खरीदना है, तो अब ना आपके मोबाइल पर OTP नहीं आएगा, अब सीधा ही आप राइट स्वाइप करिए और आपका पेमेंट सीमलेसली हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप लेट्स से बाहर हैं, कोई पेमेंट आपको बाहर करना है, तो आप सिंपली अपना फोन को टैप कर सकते हैं एंड आपका पेमेंट हो जाएगा, आपको कोई भी हैसल
नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो रिवॉर्ड्स आपने कमाए हैं उसको किस तरह से आप रिडीम कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर जितने भी आप रिवॉर्ड्स को कमाओगे कैशबैक के फॉर्म में, वो पिक्सल कैश पॉइंट के फॉर्म में आपके पेजेड ऐप में एक्युमुलेट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल की रहेगी। जब आपके 1000 ये पिक्सल कैश पॉइंट हो जाएंगे तो आप इसे फर्दर ऑन किसी और ट्रांजेक्शन में रिडीम करवा सकते हैं। अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहली बात आपकी जो उम्र है वो 21 साल से 60 साल की होनी चाहिए। मैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, और सैलरी जो है कम से कम 25,000 रुपए होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और बढ़िया है। कुछ कुछ लोग को ये लाइफ टाइम फ्री भी ऑफर करते हैं जो कि अर्ली ग्रैबर्स हैं इस क्रेडिट कार्ड के, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग को यहाँ पर फीस पे करनी पड़ती है। अच्छा, फीस से एक चीज और मैं बता दूं, जैसे आप इस क्रेडिट कार्ड में एंटर होते हैं और 90 दिनों के अंदर अंदर आप 20,000 का खर्चा करते हो ना, तो आपकी जो ज्वाइनिंग फीस आपने 500 रुपए पे की थी वो ये बैंक आपकी रिवर्स कर देता है आपके पेजेट वॉलेट में। अगर बात करें बिजनेस प्रोफेशनल्स की, तो आपकी उम्र जो है 21 से 65 साल की होनी चाहिए, और 6 लाख का प्रीवियस ईयर का आपको ITR सबमिट करना पड़ेगा, तब आपको एक क्रेडिट कार्ड सीमलेसली मिल जाएगा। HDFC बैंक ने दूसरा वर्जन निकाला पिक्सल गो के नाम से, इसी का ये छोटा वर्जन आप कह सकते हैं, लाइट वर्जन आप कह सकते हैं, बिगिनर्स के लिए उन्होंने निकाला है, और एक दूसरे सेक्शन ऑफ लोगों को केटर करता है। कौन से वो सेक्शन ऑफ लोग हैं? जिनकी जो सैलरी है वो 10,000 से कम की है। तो अगर आपकी जो सैलरी है 8,000 रुपए तक की भी है और आप एक अच्छा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, अच्छे से मेरा मतलब बिगिनर्स फ्रेंडली क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा विशेष कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना कम रखा है कि काफी लोग के लिए सही ही रहेगा। यहाँ पर आपको जो है 1% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है हर एक पेंडिंग पर। इसके साथ ही किसी भी ट्रांजेक्शन को जो आपने खरीदा हो सामान, उसको इजीली EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं, एंड 50 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी देखने को मिलता है शुरुआती 50 दिन में। ये चीज ऊपर वाले क्रेडिट कार्ड में, पिक्सल प्ले वाले क्रेडिट कार्ड में भी देखने को मिलती है। अगेन यहाँ पर भी आप 100% कस्टमाइज कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को, जो भी रंग आपको चुनना है वो चुन सकते हैं, जिस भी डेट को आपको चाहिए बिल उस डेट को आप अगेन चुन सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अगर हम कैश पॉइंट्स को रिडीम करने की बात करें, तो मिनिमम आपको 500 पिक्सल कैश पॉइंट्स चाहिए होते हैं उन्हें रिडीम करने के लिए। अगेन प्रोसेस वही है, और 2 साल तक की वैलिडिटी आती है, मतलब 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं पॉइंट। अगेन इस क्रेडिट कार्ड पे भी आपको फ्यूल ट्रांजेक्शन चार्ज जो होता है वो 1% का वेव ऑफ देखने को मिलता है, 400 से 5,000 के रेंज के बीच में, 250 रुपए से ज्यादा का आप एक बिलिंग साइकिल में नहीं ले सकते, अवेल नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग फीस मैंने आपको नहीं बताई, इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है ना दोस्तों वो है 250 रुपए, सिंपली 250 रुपए है, ऊपर वाले की 500 थी, इसकी 250 है। और इस पर भी अगर आप 50,000 रुपए खर्चा करते हुए एक साल में, तो HDFC बैंक ये फीस आपसे नहीं लेगा, जिसे हम रिन्यूअल फीस कहते हैं। ऑल्सो द गुड पार्ट इज कि अगर आप शुरुआती 90 दिनों में 10,000 का खर्चा करते हो, तो आपको 250 रुपए जो आपने ज्वाइनिंग फीस के रूप में दिए थे वो आपके वॉलेट पे पेजेट के आ जाएंगे बिना किसी हासिल के। अगेन इट्स अ टोटली डिजिटल कार्ड, स्वाइप करना है सिंपली आपको किसी भी पेमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, और अगर आप बाहर हैं तो अपने फोन से टैप करके भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा। अब बात करते हैं HDFC बैंक को क्या जरूरत पड़ी थी भाई कि 2 नए क्रेडिट कार्ड, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को लाने की। देखो बहुत ही सिंपल सी बात बताऊंगा, हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो सैलरी है वो 10,000 से कम की है, तो पहली बात तो HDFC बैंक ने इस दुखती रख को पकड़ लिया। दूसरी चीज, हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी अभी जिनकी जॉब लगी है, और जॉब से मेरा मतलब ये है कि 25,000 तक उनकी सैलरी है। 25,000 की सैलरी कोई बहुत अच्छी सैलरी नहीं होती, इट्स एंट्री लेवल सैलरी, घर नहीं चला सकते आप 25,000 में। अब क्या होगा, HDFC आपको जोड़े रखेगा लाइफ लॉन्ग। कैसे? ये आपको इन ऐप एक्सपीरियंस अच्छा देता है, रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं कैशबैक के फॉर्म में, इसके साथ ही यहाँ पर ही समय समय पर अलग अलग रिवॉर्ड्स भी निकालता रहता है। और HDFC बैंक ऐसे ही इस देश का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं बना है, सो उनको पता था कि एक बार हम पकड़ लेना इन दोनों सेक्शन ऑफ लोग को, फिर बड़ी मुश्किल होगी दूसरे बैंक को कम्पीट करने में हमारे साथ। ये इनकी टैक्टिक्स थी, और इसी वजह से दोनों वर्चुअल क्रेडिट कार्ड निकाले हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा पहली बार क्रेडिट कार्ड को ले रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी गलती ये करता है कि बिना सोचे समझे कहीं पर भी क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर देता है। और क्या आपको मालूम है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे भी कमा सकते हैं? नहीं पता, जाइए देखिए वीडियो, मैंने इसमें हर एक चीज इन डिटेल समझाई है कि क्या गलती नहीं कर रही है और किस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है ताकि आप इससे अच्छे खासे पैसे बना सके। आई सी इन दिस वीडियो गाइस, बाय।